क्या नाम है? शबाना खंडेलवाल। मैम आज जो एनएसआई के जो लड़के अंदर बंद हैं इनको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? एनएसआई का छात्र नेता गौरव शर्मा को अंदर अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने हमारी माननीय गवर्नर साहिबा को काला झंडा दिखाया था, मगर उसके पीछे की उनकी पीड़ा उन्होंने नहीं देखी कि वो अपनी कोई बात रखना चाहते थे और छात्र नेताओं की बात सुनी नहीं गई, इसलिए उससे नाराज़ होकर उन्होंने काले झंडे दिखाए कि शायद गाड़ी रोककर वो उनकी बात सुन ली जाए। बट ये सरकार है और सरकार का ये मानना है कि भाई उन्होंने तो धारा 144 लागू करनी है, डंडे बरसाने हैं, मारना है, वो उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने उठा के उसको जेल भेज दिया। कल राष्ट्रीय एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, हम लोग गए थे, कल हमारी मुलाकात नहीं करनी थी, मिलने नहीं थी ऐसे प्रशासन से। आज भी जब हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए कांग्रेस पार्टी के माननीय अजय कुमार लल्लू जी, तो हमें परमिशन नहीं दी जा रही थी। हम लोग विधिवत तरीके से एक पर्ची लगाकर सुबह 6 बजे मैंने पर्ची लगाई जाकर, और पर्ची लगाकर फिर लेटर पैड भी दिया लिखित में, और प्रशासन से कहा गया, जेल अधिकारियों से हमने कहा कि भाई हमें मिलना है, तब जाके बहुत मुश्किल से हम 4 लोगों को इजाज़त दी गई और हमने अंदर जाके उनसे मुलाकात की। अगर यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता किस तरह की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? देखिए कांग्रेस तो संघर्षशील रही है शुरू से, और जब मैंने पहले भी कहा कि एक लाठी के दम पे उन दुष्ट अंग्रेज़ों को भगा सकते थे, तो ये तो सरकार है और इससे हमें लड़ना पड़ेगा। हमने पूरी तरह कमर कस ली है, हमारे माननीय अध्यक्ष बहुत जुझारू हैं और सड़कों पे काम करने में यकीन रखते हैं, वो सड़क की राजनीति में विश्वास रखते हैं, कार्यकर्ताओं की हर मुश्किल में खड़े। ये एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि आज 3 दिन हुए उस गौरव शर्मा को और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ गए उनकी लड़ाई के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। अगर गौरव शर्मा को न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और हम सड़कों पर आएंगे। हितों का हनन करने का कोई छात्र अपनी मांग के लिए अगर आंदोलन करता है, अपनी ज्ञापन लेके देने की कोशिश करता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे उठा के बंद कर दिया जाता है, तो लाठियाँ मारी जाती हैं, उसे संगीन धाराओं में क्या कहते हैं जेल भेज दिया जाता है। सरकारें बहुत आई चली गई, कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, पर ऐसा पहली बार हम देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार में छात्रों का हनन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी आपके आ गए और अध्यक्ष जी आपकी अगुवाई में।